जिसकी लाखों उलामा ताईद करे, लाखों उलामा जिसका लिटरेचर पढ़े, लाखों उलामा जिसकी किताब पढ़ के तकरीर करे, लाखों उलामा जिसकी तहकीक पर आंखें बंद करे, लाखों उलामा पूरी की पूरी कायनात के अंदर जो इल्मे दीन का शगफ और ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो जिसकी ताईद में बोले उसे कंजुल उलामा कहा जाता है। और कंजुल उलामा से ऊपर जो एक बहुत बड़ा स्टेटस और एक बहुत बड़ा दर्जा है वो है मुजद्दद का। किसका? मुजद्दद। ये अबू दाऊद शरीफ, इसका सफा नंबर 340 है, जिल्द नंबर 2 का, किताबुल मलाहिम के अंदर हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु। अब देखो, मैंने कुरान की आयतें भी पढ़ी, हदीसें भी पढ़ी, उलमा का जिक्र करते हुए जो उनके अंदर फटी खाने वाले हैं उनका जिक्र भी किया, जो गाची खाने वाले हैं उनका जिक्र भी किया, जो रोड़ी खाने वाले। अब देखो जो हकीकी है आलिम, खशियत इलाही वाला, खौफ खुदा वाला, हक बयान करने वाला और आलम दीन से मुफ्ती, मुफ्ती से ऊपर शेखुल हदीस, शेखुल हदीस से ऊपर मुज्तहिद, मुज्तहिद से ऊपर मुफक्किर, मुफक्किर से ऊपर कंजुल उलमा, कंजुल उलमा से ऊपर मुजद्द। सुनो, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फीमा अअलम अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال ان الله يبعث لي هذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह हर 100 साल के सिरे पर एक ऐसा मेरी उम्मत के अंदर बंदा पैदा करेगा कि 100 साल के अंदर दीन के ऊपर जितना भी गर्दो गुबार होगा वो सब कुछ साफ करके शीशे की तरह दीन को साफ उम्मत के सामने दोबारा पेश कर देगा। कोई बिदआत हो उनका रद्द करेगा, कोई खुराफात हो उनका रद्द करेगा, वो लच्छेदार तकरीर नहीं करेगा। अगर मुजद्दद भी ढोले पड़े, अगर शेखुल हदीस भी सलोड़े प्या जावे, भी मैं लोगों को चस देनी, तो वो काम तो एक आम टुकरेल मौलवी भी कर सकता है। सलोड़े पढ़ के अबू शेर चाया तो परली गोठे चा मारिया, नरमी वालिया गल करके लोगों के दिल मोह लेने, ते दिल मोहन के नाल नाल जेबा भी लू लैनिया। यार गल समझ आ रही कोई नहीं।